हेलो फ्रेंड्स, अब मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आव्यूह पर संक्रियाएं का मतलब है कि आव्यूह सबसे पहले जो है ऑपरेशन हम पढ़ेंगे एडिशन का, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाएगा। माना कि एक मैट्रिक्स ए 2x3 ऑर्डर का है, उसके एलिमेंट इस तरह से हैं। एक मैट्रिक्स बी है 2x3 ऑर्डर का है, उसके एलिमेंट इस तरह से हैं। तो ए प्लस बी, जैसे कि हम सिंपली कहें कि जैसे हम रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 2+3 करें तो 5 है, चाहे 3+2 करें तो 5 है। लेकिन ये तो नंबर के केस में हो गया कि कैसे जोड़ते हैं, लेकिन दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। तो मैट्रिक्स का एडिशन अगर हमें ए प्लस बी करना है, तो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन संभव नहीं है, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मैट्रिक्स ए जो है जिसका ऑर्डर 2x3 है, मैट्रिक्स बी 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो इनको कैसे ऐड किया जाएगा। यानी कि ए प्लस बी करना है तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 4y के साथ जुड़ेगा, 5b के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे संगत अवयव जो जुड़ते हैं। तो मैट्रिक्स का एडिशन बहुत आसान है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यहाँ पे ये ओ लिखने से मतलब है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि दो आव्यूहों को जोड़िए घटाना तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कोटि समान हो। यहाँ पे हम कहें कि एक मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स बी जो है 4x4 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ए प्लस बी यानी कि मैट्रिक्स का जोड़ना, दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ नहीं पाएंगे, संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है। ठीक है, तो सिंपल है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक आव्यूह का एक अधिक से गुणन, यानी कि एक मैट्रिक्स ए है उसके साथ किसी एक स्केलर नंबर जैसे कोई भी वास्तविक संख्या है से हम मल्टीप्लाई करें, तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे। कि सपोज करिए एक मैट्रिक्स है, ए है 2x2 ऑर्डर का, उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2 लिख के मैट्रिक्स ए पूरा लिख देंगे। इसमें क्या होता है कि किसी स्केलर का मल्टीप्लाई अगर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, तो ये 2 जो है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 2 उठेगा तो यहाँ पे 4 के साथ, यहाँ 9 के साथ, अंडर रूट 2 के साथ, 7 के साथ। तो यहाँ पर देखिए 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली जो मल्टीप्लाई होके आएगा 2 × 4 8, 2 9 18, इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए है यहाँ पे 2x3 ऑर्डर का, इसमें हमें अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट 3 बाहर रखेंगे, पहले ए को लिखेंगे, और ये जो अंडर रूट 3 है मैट्रिक्स ए के हर एक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुणा होगा। यानी देखिए 4√3, 3√3, 7√3, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखते हैं तो या तो किसी एक पंक्ति में कर देते हैं, माना कि इसमें कभी कभी फर्स्ट रो में कर देते हैं, सेकेंड रो में कर देते हैं, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो जो एलिमेंट का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर के साथ कैसे करते हैं। अब आइए कुछ आव्यूह के योग के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब जानना है हमें। जैसे कि हम वास्तविक संख्याओं में पढ़े हैं कि अगर हम 2+3 करें चाहे 3+2 करें, दोनों ही केस में 5 आएगा। यानी कि 2 को 3 के साथ जोड़ें चाहे 3 को 2 के साथ जोड़ें, हमेशा 5 ही आएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में भी होल्ड होता है। तो पहले जो एडिशन की प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को क्या क्या इसमें रूल्स फॉलो होता है। तो पहला जो नियम है क्रम विनिमय का नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं,
यानी कि एक मैट्रिक्स ए है, सपोज करिए हम पहले ही बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर का है तो उसको एडिशन की बात ही नहीं होगी वहाँ पर। तो अगर मैट्रिक्स एक ए है 3x3 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स बी है 3x3 ऑर्डर का, तो मैट्रिक्स का एडिशन क्रम विनिमय नियम यहाँ पे फॉलो होता है, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन जो है क्रम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि मैट्रिक्स ए को बी के साथ जोड़ें चाहे बी को पहले लिख के मैट्रिक्स ए के साथ जोड़ें, दोनों ही केस में मैट्रिक्स जो है इक्वल आएगा। यहाँ पे एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि एक सपोज करिए कि मैट्रिक्स ए है 2x2 ऑर्डर का जिसके एलिमेंट 7 2 3 4 है, और एक मैट्रिक्स बी है 4 3 जिसके एलिमेंट 4 3 0 13 यानी 2x2 ऑर्डर का। तो हमें ए प्लस बी करना है, तो सिंपली ए प्लस बी का मतलब है 7 4 के साथ ऐड होगा, 2 3 के साथ होगा, 3 0 के साथ होगा, 4 13 के साथ। तो यहाँ पे ए प्लस बी हमारे मैट्रिक्स तैयार होगा। अगर बी प्लस ए करना है तो यहाँ पे बी प्लस ए करना है तो हम बी का पहले एलिमेंट लिखेंगे यानी कि 4 3 0 13 और ए बाद में लिखेंगे यानी 7 2 3 4। बी प्लस ए करना है यानी कि फिर से वही चीज़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 13 4 के साथ, 3 2 के साथ, तो फाइनली जो है 11 5 13 3 17 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब ए प्लस बी किए तो ये मैट्रिक्स आया और जब बी प्लस किए तो ये मैट्रिक्स आया। तो दोनों ही केस में अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम कंपेयर करें तो दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस ए जो है सेम आया है, यानी कि मैट्रिक्स का जो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन के केस में। अभी हम सारा ही प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे, तो अभी हम एडिशन का देख रहे हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं। तो अगर दो तीन मैट्रिक्स हैं, सपोज करिए ए बी सी, ऑर्डर सेम है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स के एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। माना कि ए बी सी समान कोटि के मैट्रिक्स हैं, तो साहचर्य का नियम का मतलब है कि अगर हम मैट्रिक्स ए और बी को यहाँ पे ब्रैकेट लगवा कि मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ के फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको सी के साथ जोड़ें तो वही आंसर आएगा कि अगर बी और सी को ऐड करके मैट्रिक्स ए के साथ एडिशन करें। दैट मीन्स कि ये जो है इस तरह के नियम को साहचर्य का नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आप एग्जांपल के माध्यम से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। जो तीसरा रूल है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन के केस में, कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है योग, हिंदी में इसको अगर देखें योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अभी समझ में आ जाएगा, नाम थोड़ा सा बहुत अटपटा है लेकिन अभी जब हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। माना कि एक मैट्रिक्स ए, हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर का और एक जीरो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का ले लें, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करें चाहे जीरो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करें, दोनों ही केस में जो है जो फाइनली आंसर आएगा यहाँ पे ए प्लस जीरो के हैं। जीरो मैट यहाँ पे जीरो संख्या नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर। तो इसको ऐड करेंगे तो ए मैट्रिक्स ए है और जीरो मैट्रिक्स है, तो फाइनली जब ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स ए ही आएगा, ठीक है। चाहे इसको जीरो प्लस ए करें यानी कि पहले जीरो मैट्रिक्स को लिखें फिर बाद में मैट्रिक्स ए को लिखें, तो दोनों ही केस में जो है सेम आएगा यहाँ पे। तो ये कंक्लूजन निकला है कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को उसको जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक। इस जीरो मैट्रिक्स को इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। ऐसे नंबर के भी केस में होता है कि अगर हम 2+ सपोज करिए 0 करें चाहे 0+2 करें, दोनों ही केस में वही नंबर निकल के आता है। इस जो 0 हुआ एडिशन के केस में,
एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, युग का तत्समक कहलाता है, युग का तत्समक कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, युग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यहाँ द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि अगर मैट्रिक्स, यदि हम एक आव्यू बी 3x3 ऑर्डर का इस तरह से मिल जाए कि ए प्लस बी 0 मैट्रिक्स हो जाए, यानी कि एक मैट्रिक्स ए पहले से दिया हुआ है, अगर आपको एक मैट्रिक्स बी इस तरह से मिल जाए कि इन दोनों का जो एडिशन करने पे 0 मैट्रिक्स मिल जाए, इस केस में जो मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। यहाँ पे भी आपको क्लियर होगा, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि मैट्रिक्स ए जो है, यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, अगर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए का हमें एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, यानी कि योग का प्रतिलोम, तो यानी कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स भी हम इस तरह से तैयार करेंगे कि इसके एलिमेंट 4, 3, 7, 9, 1, 2, 4, 9, 4 है, तो सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे, यानी कि मैट्रिक्स बी जो है -4, -3, एक मैट्रिक्स भी ये इस तरह से है कि अगर हम ए प्लस बी कर देंगे, जैसे ए प्लस बी कैसे होता है कि मैट्रिक्स ए को पहले मैट्रिक्स बी को बाद में, अब फिर इसको जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 0, 0, 0, 0 यानी कि जो है ए प्लस बी की तो 0 मैट्रिक्स आया। इस केस में जो है मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी एक एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा ए का। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर बी जो है, जो मैट्रिक्स बी है ए का एडिटिव इनवर्स है, तो उल्टा भी हम कह सकते हैं कि ए भी बी का एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं, देखिए साफ साफ हम लिखे हुए हैं, तो इस तरह से हम एडिटिव इनवर्स जब भी किसी मैट्रिक्स का ढूंढेंगे, तो आप अगर मैट्रिक्स एक दिया हुआ है तो ठीक उसी का सारे एलिमेंट माइनस कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे तो 0 मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप देख सकते हैं, एक आव्यूह का अदिश गुणन के साथ, यानी कि एक मैट्रिक्स है ए और बी, उसके उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करिए, या फिर दोनों ही मैट्रिक्स को अलग अलग स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, आंसर आपका नहीं बदलेगा। यहाँ पर के और टी एक स्केलर नंबर है, इन दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, चाहे अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आपका जो है नंबर नहीं बदलेगा। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, सपोज़ करिए एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है 3x4 ऑर्डर का है और इसका भी ऑर्डर 3x4। हर हाल में दोनों ही मैट्रिक्स, पहले बता चुके हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी होता है जब दोनों ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2a+3 भी बताइए, यानी कि मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी में 3 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड कर देना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई का मतलब 2 जो है हर जगह मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई का मतलब हर जगह होगा, फाइनली जो आएगा मैट्रिक्स दिस और दिस, फिर ऐड कर देंगे, तो आसान है। तो कुछ प्रॉपर्टी था मैट्रिक्स के एडिशन के संबंध में। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको, जब क्वेश्चन कराएंगे ढेर सारे तब क्लियर होंगे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन।